नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर हाईकोर्ट सहित पूरे प्रदेश के करीब 1,00,000 अधिवक्ता एक दिन की प्रदेशव्यापी हड़ताल पर हैं। वकीलों की हड़ताल की वजह से सैकड़ों पक्षकार परेशान होते नजर आए। वकीलों का आरोप है कि लगातार प्रदेश में वकीलों पर हमले किए जा रहे हैं। वकीलों की मांग है कि अधिवक्ता अनिल मिश्रा पर हमला करने वाले अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे, नहीं तो अधिवक्ता अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गौरतलब है कि ग्वालियर हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अनिल मिश्रा पर सागर में हुए जानलेवा हमले के विरोध में वकील आज काम बंद हड़ताल पर रहे। मैं सुबह यहां पहुंचा और समाचार पत्रों के माध्यम से जब पता चला कि आज हड़ताल है, जब सुबह हमको पता चला कि आज हड़ताल है। कितनी दिक्कत होती है जब इस तरह की परिस्थितियां? सर, दुखदायी तो है सर, बहुत ज्यादा। एक तो हम वहां आना पड़ता, हमको 7-8-9 घंटे का सफर करो, ट्रेन में आओ, जनरल में आना पड़ता है। और यहाँ आके जब पता चलता है कि हड़ताल है। एक तो वैसे सर केस इतने ज्यादा है, 130 नंबर 140 नंबर पे केस लगे रहते हैं। केस आते आते तक पता चला कि फिर पेशी पेशी बढ़ गई। ऐसा सर, हम तो 2012 से लड़ रहे केस। इसमें सरकार बिल्कुल निष्क्रियता है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही वकीलों के ऊपर। मेरा सबसे बड़ा अनुरोध है कि जब आज वकील जैसे अध्यक्ष के जैसे हमला हुआ है, हम लोग इन पब्लिक जो बैठी है, हम लोग इनके लिए लड़ते हैं, ठीक है ना। आज जब हम न्याय के लिए भटकेंगे तो हम इनको क्या न्याय दिलाएंगे। और प्रतिवाद आप देख रहे हैं, जितने दिन से 4-5 साल से कंटिन्यू हड़ताल हो रही है, ये झुंझुना पहनाया जाता है कि सर हम कल प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे, परसों ला रहे, कुछ नहीं होता है। और वकीलों की कोई अहमियत नहीं बची है, चाहे जो आदमी जाके मार देता है, कहीं वकीलों की हत्या होती है, कहीं वकीलों पर हमले होते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। आज अगर वकील न्याय के लिए भटकेगा तो जो गरीब कल बाहर से आए हुए हैं, आज जो हड़ताल हुई कोई शौक से नहीं हुई है, लेकिन इनको कौन न्याय दिलाएगा? हम भी लोग लड़ेंगे ना, लेकिन कुछ होता नहीं है। बस प्रोटेक्शन एक्ट होता है, एक दिन का प्रतिवाद दिवस होता है, दूसरे दिन सब खत्म हो जाता है। जबलपुर के कलयुगी बेटे ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराकर अपने बूढ़े माता पिता का मकान और प्लॉट अपने नाम करवा लिया। बेड़ाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आत्मा हिनौता के रहने वाले 70 वर्षीय जगदीश नामदेव और उनकी पत्नी सुधा नामदेव के बेटे ने बीमार माता पिता को घर से बेदखल कर दिया, जिसके बाद बुजुर्ग माता पिता ने बेड़ाघाट थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस इसे आपसी मामला बताकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम कहना ये चाहते हैं कि उसके साथ जो उसने किया है उसकी उचित कार्रवाई की जाए उसके ऊपर। इसमें बेटा अगर पिता की जमीन उड़ेगा तो स्वाभाविक उसका अधिकार है, पिता की जमीन पे बेटे का अधिकार रहता है। वो जो है उन किन परिस्थितियों में लगा रहे हैं, क्या उसको नामांतरण हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना उसने लिया है, कितना उसका हिस्सा बनता था, ये सब जांच का विषय है, जांच करवाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के स्टेट इंजीनियर टीम ने जबलपुर के मेडिकल कॉलेज, एल्गिन हॉस्पिटल और विक्टोरिया हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शासकीय अस्पतालों में पाई जाने वाली कमियों पर अस्पताल प्रबंधन को कमियों को समय पर दूर करने के निर्देश भी दिए। ऐसे ब्लड बैंक एक्सपर्ट हमें यहाँ मिल गया है, तो मुझे कुछ जबलपुर डिवीजन और शहडोल डिवीजन के ब्लड बैंक के निरीक्षण करने थे। उसमें उसी कड़ी में आज जिला के सिविल हॉस्पिटल एल्गिन को हमने ब्लड बैंक और कंपोनेंट सेपरेशन का निरीक्षण किया है और ये इसकी पूरी रिपोर्ट हम मध्य प्रदेश राज्य नियंत्रण समिति और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को भी देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस पार्षद को धमकी दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि महापौर स्वाति गोडबोले द्वारा बुलाई गई समझौता बैठक में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेसियों के बीच तनातनी हो गई। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए MS TV। नमस्कार।